क्लैश हो जाता खतरनाक वाला। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। और फिर से आज है 2 अक्टूबर, तो ब्लॉगिंग फिर से स्टार्ट कर दी है मैंने। तो अभी जल्दी ही सब्सक्राइबर जो है मेरे होने वाले हैं करीब 1000, जो कि आपके प्यार की वजह से हो सकता है ये वीडियो आए तब तक 1000 हो चुके हो। बट ये देखो लैपटॉप के ऊपर ये देखता रहता है लेटेस्ट लेटेस्ट कार्टून, तो बहुत ज़्यादा पसंद है शॉप है। ये देखो कार्टून के आगे कुछ नहीं देखता है। ब्लॉगिंग तो बहुत दिनों बाद स्टार्ट की है, जूते मैंने इधर निकाल के रख दिए हैं। अभी निकलना है अपने ऑफिस के लिए, ऑफिस का टाइम हो गया, मेरा लंच वगैरह हो गया, सुबह की ट्रेनिंग वगैरह निपटाइए। हेलो, जो मैंने फ़ोन इसलिए करा था ना, जैसे अभी जो ऑर्डर किया ना अमेज़ोन का, वो तो उसका ना हाँ बॉक्स का नहीं खोल के कि हाँ उस बॉक्स का खोल के भेज देना कि इतने रिसीव हुआ है, ठीक है। हाँ, वो अमेज़ोन से कुछ डॉग फूड ऑर्डर किया था, तो उसमें बहुत सारे पैकेट 90 किए थे, तो केवल 30 रिसीव हुए, पैसे पूरे चले गए। तो वहाँ मैं था नहीं, मुझे पता नहीं था। लोगों से निकलते हुए बात करूँ, बाकी क्या बातें तो बहुत सारी हैं। बहुत दिनों बाद ऑफिस भी जाना हो रहा है, तो बीच बीच में छुट्टी हो जाती, कुछ दिनों जाना स्टार्ट किया है, तो सब कुछ जब लाइन पे आया तो मैंने सोचा व्लॉगिंग भी आप लोगों को दिखाना स्टार्ट कर दूँ। और अभी हमारे इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले, हो सकता है ये वीडियो आए आप तक तब तक 1000 सब्सक्राइबर हो जाए पूरे। बट मैंने अपने इस चैनल का नाम बदल के सुनील डॉक्टर ट्रेनर लाइफ रख दिया है। पहले SNN व्लॉग रखा, उसके बाद सुनील डॉक्टर ट्रेनर लाइफ कर दिया, जिससे आप लोगों को पता चल पाए कि आप मुझे सर्च करते हो कि सुनील डॉक्टर ट्रेनर करके, तो आप लोगों को मेरी वीडियोस मिल जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस अगर आप सुनील डॉक्टर ट्रेनर सर्च करोगे तो मेरी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। 6-7 महीने से करीब मैं लगातार तो वीडियो नहीं बना पाया, बट बीच बीच में आपको अपडेट देता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं एक्टिव रहा था। और शॉर्ट्स भी आए हैं काफ़ी इस बीच में, और शॉर्ट्स आप लोगों ने काफ़ी पसंद किए। मेरा इस चैनल को बनाने का मकसद बस यही है कि मैं अपने बारे में लोगों को बता पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा, और लोगों से कनेक्ट हो पाऊँ, क्योंकि मेरा एक और चैनल है जो स्मार्ट डॉक्टर ट्रेनिंग, वो ठीक ठाक चल रहा है। बट ये पर्सनल आप लोगों से जुड़ने के लिए ना, इसमें हो पाती हैं बातें, ठीक है। हर तरीके से मैं बात कर सकता हूँ आप लोगों से, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, तो पर्सनली चीज़ें इसमें काफ़ी आती हैं अपनी लाइफ के बारे में, और नए नए एक्सपीरियंसेस जो हैं कुछ आपसे सीखूँगा, आप लोगों से मैं जैसे बात करता रहूँ अपनी कम्युनिटी के ज़रिए, तो इसलिए मैंने इसको बनाया है। बाकी आप अगर पेट लवर हो, डॉग लवर हो, तो दूसरा जो चैनल है स्मार्ट डॉग ट्रेनिंग, वहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत कुछ मिलता है, तो आप उस पर भी जाके विज़िट कर सकते हो। और वहाँ की जो ऑडियंस है वो तो जानती है, मोस्टली मैं जानता हूँ आप लोग सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों ने, तो आप उसी चैनल से आए हो अधिकतर, और इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू। और आगे भी सपोर्ट बना के रखिएगा। पेट्रोल 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 डलाना, ये सब पेट्रोल पम्प का रास्ता, ये सब टूटा पड़ा है आगे से। जब से बरेली में ना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, इस प्रोजेक्ट में देख रहे हो कैसे पूरा रास्ता खुदाई पड़ा है। अच्छी खासी इस प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने के बाद से तब तक पूरी बरेली में ऐसे ही चलना पड़ता है, इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है, सब खुदा पड़ा है, सब में धूल गड्ढे, बस यही चीज़ है। रॉन्ग साइड में जाऊँगा मैं, बड़ी गाड़ियाँ तो जा रही हैं, तो मैं तो रॉन्ग साइड से जाऊँगा, बाइक पर बहुत ज़्यादा गड्ढे। यहाँ से रास्ता ठीक आया, बीच में ही रेड हो गया। मैं पहुंच गया ऑफिस, ऑफिस दूर बहुत पड़ जाता है वहां से। ये बिल्कुल ब्लैक ऐसा लग रहा है, एक बिल्ली का बच्चा है, चूहा का बच्चा लग रहा हूँ। काम आ गया, ये गोल गोल घुमा रहा है, इसकी माँ आ गई, देखो ये दूसरी, यहीं पे रहते हैं ऑफिस में, डरा देते हैं सबको, कभी पैरों के पास आ जाते हैं, कभी कहीं आ जाओ
हर जगह बच्चे, बिल्ली के बच्चे बहुत परेशान करते हैं। ये देखो यहाँ मिलेंगे, ये बैठा है, इतने बिल्ली के बच्चे हैं वहाँ पर बहुत। अभी ऑफिस से वापस जा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये है ना अभी इन लोगों ने बिना बताए ही ऑफ है आज का, और तभी हमारी छुट्टी होती नहीं थी 2 अक्टूबर की, तो मैंने सोचा इन लोगों को देखूँ जाके क्या चल रहा है क्या नहीं ऑफिस पे, तो आज ऑफ है और ऑफिस बंद कर दिया गया और वहाँ पे कोई मिला नहीं स्टाफ फ़िलहाल। खैर जो भी है वो बाद में बात होगी, और अभी तो मैं रिटर्न जा रहा हूँ। ऑफिस यहाँ तक आना एक तो इतना दूर पड़ता है, और वो अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो बहुत ही ज़्यादा गलत होता है, और फिर भी रह जाती हैं कुछ चीज़ें। बहुत क्लैश हो जाता है, ख़तरनाक वाला एक्सीडेंट, बिल्कुल बाल बाल बची है गाड़ी, एक्सीडेंट होने से बच गया बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त। वो मोड़ रहा था, हालांकि मैं देख रहा था ये गाड़ी मुड़ रही है, दूर से वैन वाला आ रहा था, बिल्कुल स्पीड कम नहीं कर रहा है। इसमें देखा जाए तो वैन वाले की गलती थी, काफ़ी पीछे से था वो और गाड़ी काफ़ी दूर से मुड़ती हुई दिख रही थी, तो इसको उसकी स्पीड कम करनी चाहिए थी, इसमें वैन वाले की गलती है। बट नुकसान किसी का नहीं हुआ, ना टच हुई गाड़ी एकदम। वहाँ पे वन वे हो गया ना, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इकट्ठा हो जाता है, इधर से वहाँ से डाइवर्ट हो रहा है ना रास्ता पूरा। साइड से बाइक का तो ये फ़ायदा रहता है, निकल गए लेकिन तो यहीं खड़े रहना पड़ता, और एक बार ग्रीन होके फिर रेड हो जाता, नहीं तो ये सिग्नल तो जब टाइम है तो निकल जाएंगे। इतनी धूप में रुकना बड़ा मुश्किल काम है। अक्टूबर आ गई और गर्मी इतनी ज़बरदस्त है बहुत, सुबह के टाइम फिर भी ठीक है मौसम। अगर कोई एडवेंचर का शौकीन है और किसी को ऑफ रोडिंग करनी है ना, तो हमारे बरेली आ जाए, पूरा फील आ जाएगा ऑफ रोडिंग का। फिलहाल तो अभी घर आ गया, और यहाँ पे जो थोड़ा बहुत काम है वो निपटा रहा हूँ, उसके बाद देखने क्या करना है। इतनी दूर गए और मूड भी ख़राब हो गया। मनु भी आराम कर रहे हैं हमारे, शौबिक सो रहा है, मजे से उसने देखा वो टीवी भी, उसके बाद फिर अपना कार्टून देखने के बाद सो गया। सो के उठाऊँ, करीब हुआ है 6:15, अब ट्रेनिंग पे जाना है, उससे पहले एक चाय की चुस्की हो जाए। और चाय लाओ नया, चाय चाय चाय, ये वाली चाय हमने कम नहीं करी है, कप बदला है, छोटे कप में लिए तो कम चाय आती है। तो अभी ये है जॉनी, जॉनी बॉय सिट हियर। अब जॉनी काफ़ी पहले से अच्छा हो गया है, ठीक है। अब बाकी शाम का टाइम होगा, नहीं तो और भी वीडियो दिखाता आपको, इधर तो पूरा अंधेरा है। स्टे बॉय, स्टे, रिलैक्स, स्टे स्टे स्टे। मैं से दूर चला जाता हूँ स्टे बोल के, पहले क्या होता उठने नहीं देता था, एकदम से चढ़ता था भागता था, तो काफ़ी बड़ा सुधार है इसके अंदर ये। अब स्मूथली नॉर्मल देखिए हाथ में है, आराम से पकड़ रहा है, तो ये बहुत एक पॉजिटिव साइन है, ठीक है। बाकी चीज़ें समझ रहा है, सिट करता है, स्टे सेकेंड तो करता ही था ये, और बाकी 14-15 दिन ही हुए इसकी ट्रेनिंग को, बाकी टाइम आगे जैसे कंटिन्यू रहेगा तो और परफेक्शन आ जाएगा। जैसे इसके अब हील करते हुए चलूँगा तो बराबर जैसे सामने डॉग आया, इसको जब ये बार्क करे, इसकी तरफ रिएक्शन दे, तो आप उसको पहले से अलर्ट हो जाए, नो ऐसे इस तरीके से। अब यहाँ से निकल के जा रहा है इसके पास से ना, तो इसको कोई फ़र्क इतना नहीं पड़ रहा। टाइम रुकेगा, सिट बोलो, तुरंत बैठेगा, सिट बॉय, समझ रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है, हील हील बोलने पे साथ चल रहा है, तो एक अच्छी चीज़ है, ये साइन पॉजिटिव है यहाँ अंधेरा का। बट अभी शाम हो गई तो इसलिए गोप्रो भी नहीं लगा के आया मैं अपना, तो क्योंकि रात में नाइट विज़न में वहाँ दिक्कत होती है, ठीक है, सड़क पे तो कुछ दिखता है नहीं अच्छे से, तो इसीलिए मैंने क्या करा कि आपको बस डायरेक्ट जॉनी के पास ले आया, उसके बाद सीधे मैं डायरेक्ट घर पर ही मिलूँगा अब जाके, ठीक है। तो मैंने व्लॉग में वो चीज़ अभी नहीं दिखाया बीच का रास्ता, रास्ते में अंधेरे में कुछ जितना नहीं पता चलता पहले। तो अभी मैं जॉनी की ट्रेनिंग करके आ गया हूँ घर पे, अब तो आज के व्लॉग को यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद। बने रहिएगा व्लॉग में और बताते रहिएगा सपोर्ट करके, और जल्दी से सब्सक्राइबर काउंट को बढ़ा दीजिए, और जिससे वीडियो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँच पाए। थैंक यू एंड जय हिंद।